मैं बात करने वाला हूँ टिकटॉक एंड अदर 58 चाइनीज एप्स के बारे में, मतलब टिकटॉक को मिला के 59 चाइनीज एप्स के बारे में। तो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज एप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक को बैन कर दिया इंडिया से। कौन कौन से एप्स है उसके लिस्ट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उनमें से कुछ पॉपुलर एप्स है टिकटॉक, सेरिट, यूसी ब्राउजर, डीयू स्क्रीन रिकॉर्डर, वीमेट एंड और भी बहुत सारे एप्स। अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। इन एप्स को बैन करने का रीजन बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है सिक्योरिटी रीजंस। जी हाँ, मतलब सिक्योरिटी रीजंस के वजह से इन एप्स को बैन किया गया है। ये एप्स बेसिकली क्या कर रहे थे, आपके डेटा को चुरा के चाइना तक आपके डेटा पहुंचाते थे। अगर और अच्छी तरीके से समझाऊं तो बेसिकली चाइना आपके डेटा को चुराता था, जिसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन चाइनीज एप्स को बैन कर दिया। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आज खुश तो बहुत होंगे तुम हैं? खैर छोड़ो, इसी चीज के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स रिएक्ट किए। अब मैं सारे यूट्यूबर्स का रिएक्शन तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं कुछ यूट्यूबर्स का रिएक्शन आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो टेक्निकल गुरुजी अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए थे, टिकटॉक फीलिंग हैप्पी विद 58 अदर्स। फिर हर्ष बेनीवाल अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए थे, मैं तो ये सोच रहा हूँ उनका क्या होगा जिनके बायो में एक्टर ऑन टिकटॉक लिखा था। मुझे क्या लगता है ना हर्ष भाई कि ये लोग को जो है कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आके पैसा देगा और बोलेगा मेरे प्लेटफॉर्म में आके वीडियोस बनाओ बोल के। नहीं, ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और जो हर्ष बेनीवाल अपने ट्विटर में एक मीम शेयर किया जहाँ पर वो लिखे पबजी आफ्टर टिकटॉक बैन। तो बेसिकली चाइनीज एप्स के लिस्ट में पबजी भी था, तो यहाँ पर पबजी बच गया, तो इसके वजह से हर्ष बेनीवाल ये ट्वीट किए। फिर एल्विस यादव अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे, फीलिंग बैड फॉर तेजू पदनान एंड प्याज। और वो कुछ स्टोरीज भी पोस्ट किया, तो आप भी देखिए एल्विस यादव के इंस्टाग्राम स्टोरीज। सो गाइस, फाइनली टिकटॉक बैन हो चुका है, मेरे को इतना ज्यादा बुरा लग रहा है ना, कसम बता रहा हूं। ओ पार्टी करने चल रहा है। देखो बात ऐसी है, जो बंदा टैलेंटेड था, नाचता था, गाता था, बहुत अच्छी चीजें करता था, वो अपना घर कहीं भी चला लेगा, चाहे वो टिकटॉक तो हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कहीं भी चला लेगा। पर जो बेचारे लिपसिंग करते हैं उनका क्या होगा यार, उनको अपनी दुकान पर बैठना पड़ेगा। ऑल्सो लक्ष्य चौधरी अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट किए थे, तो आप भी देखिए लक्ष्य चौधरी का वो वीडियो। यू नो गाइस व्हाट टाइम इट इज, इट इज पार्टी टाइम। दिन में बड़ा डीजे लाएंगे अभी यहाँ पे ना, डेविड गिट्टा को बुलाएंगे, यही मोहल्ले में सेलिब्रेशन करेंगे। वीडियो उड़वाए थे ना ये, हम मोदी जी को कॉल किए, पूरा प्लेटफॉर्म ही गायब करवा दिए। फिजू भैया अब सेलिब्रिटी नहीं रहे, अब मॉस्को वाले भैया जो इन्फ्लुएंसर होने का दावा करते थे, अपना एंगेजमेंट अच्छा बताते थे, अब उनका एंगेजमेंट इन्फ्लुएंसर पना सब चला गया। उनको बहुत मिस करूंगा मैं, वे जो ऐसे करते थे ना, आज तुझे आसमान में लेके चलू चांद को उसकी औकात दिखाने, तुम मेरी महबूबा। एक वो वाले भैया जो जिनकी जो लाइन बड़ी शार्प थी ना, वो ऐसे करके आते, ऐसे करके आते थे, वो बीट बजते ही। और भैया सीपी तो सुना सुना लगेगा बहुत, और हेयर कलर करने वालों को तो धंधा ही ठप हो गया भाई, क्या कर दे गवर्नमेंट ने। फिर मुंबई के निखिल अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए थे, टिकटॉकर्स इंस्टाग्राम स्टोरीज, हे गाइज आई एम फाइनली ऑन यूट्यूब, हैशटैग टिकटॉक बैन इंडिया। तो बेसिकली मुंबई के निखिल यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अब टिकटॉकर्स भी जो है अब यूट्यूब पर ही आएंगे। फिर हिंदुस्तानी भाव अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे, आज हुई हमारी जीत, सरकार ने हमारी आवाज सुन ली, चाइना के 59 ऐप को बंद करवा दिया, इसे कहते हैं पावर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी आवाज सरकार तक पहुंचाई, जय हिंद, भारत माता की जय। फिर रफ्तार अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे, तो न्यूज भी आ गई सफाई शुरू, हैशटैग ऐप बैन। फिर राउंड टू हेल के जैन अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किए थे, तो आप भी देखिए वो वीडियो। टिकटॉक बैन हो गया, तू किटर हो गया, तेरा अकाउंट भी आया टिकटॉक पे, अब मैं जेल लेने गया अकाउंट, अब क्या होगा, अब भूखा क्या होगा, अब्बू तुम्हारे टिकटॉक कर देगा, अब मैं कांडू अब्बू की लाली पाउडर की दुकान थी। यू कह रहे हैं तेरे दोस्तों को रिंग लाइट की दुकान करवा दूंगा। अब कैसे चलेगा धंधा, ब्यूटी प्लस भी तो बंद हो गया, इसका क्या होगा। फिर ध्रुव राठी अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए थे, फाइनली गवर्नमेंट बैन्स टिकटॉक एंड 59 चाइनीज एप्स इन टोटल, थैंक्स फॉर कंटिन्यूअसली रेजिंग योर वॉइस ऑन दिस इशू। ऑल्सो फ्लाइंग बीस्ट अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए थे, जस्ट हर्ड दैट टिकटॉक इज बैंड इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट, इज इट कन्फर्म्ड, हैशटैग टिकटॉक बैंड। ऑल्सो आरजे अभिनव अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज पोस्ट किए थे इसी से रिलेटेड, तो आप भी देखिए उनका इंस्टाग्राम स्टोरीज। टिकटॉक बैन हो गया, प्लीज दोबारा शुरू मत करना, ठीक है, प्लीज। हो गया, वो स्पाई कर रहे थे हम पे उन सॉफ्टवेयर्स के जरिए, इसलिए हुआ है, ठीक है, ब्रीच हो रही थी हमारी प्रिवेसी, ब्रीच हो रही थी, ये
किसी भी प्लेटफॉर्म वर्सेस किसी भी प्लेटफॉर्म की लड़ाई नहीं है, हमारी इंटेग्रिटी, हमारी सोशल सिक्योरिटी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी की लड़ाई है। ठीक है, दोबारा से मत चालू करना, बैन हुआ है इतने टाइम से सालों, उन्हें डेटा दे रहे थे हम। एंड ऑल्सो आशीष चंचला ने अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए थे, ये 2020 में साला एक ही आदमी खुश है, वो है कैरे मिनाटी। ऑल्सो आपको बता दूं, कैरे मिनाटी का इस चीज के ऊपर कुछ भी रिएक्शन नहीं आया अभी तक, जैसे ही आता है आप लोगों को मेरे वीडियोस के थ्रू पता चल जाएगा। फिर बियर बाइसेप्स अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए थे, सोशल मीडिया इज एन अनप्रेडिक्टेबल एंड ब्रूटल वर्ल्ड, इफ यू वांट टू सर्वाइव एंड मेक दिस अ लॉन्ग टर्म करियर, लर्न टू बी अजाइल, लर्न टू बी एबल टू चेंज डायरेक्शन एंड स्पीड एज एंड व्हेन द सोशल मीडिया वर्ल्ड डिमांड्स इट। टू टिकटॉकर्स, डोंट बी डिसहार्टेंड, बी स्ट्रांग, हैशटैग टिकटॉक। आई थिंक बहुत सारे यूट्यूबर्स का रिएक्शन मैं दिखा चुका हूँ, सो अब वीडियो खत्म कर। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इसी तरीके के यूट्यूब कम्युनिटी एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।